तो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा वो यूएई दुबई का है, और यूएई दुबई में अभी दोस्तों टाइगर 3 मूवी के रिलीज डेट के 2 महीने पहले ही वहां पर बहुत ही बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है, और जो टाइगर 3 की जो प्रमोशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर की जा रही है। YRF बिल्कुल नहीं चाहता है कि पठान के जैसे जो टाइगर 3 के प्रमोशन है उसको हम बिल्कुल भी ना करें, और जो स्पाई यूनिवर्स की मूवी है उसका कलेक्शन बहुत ही कम है। बता दें दोस्तों कि जब से इसका पहला ऑफिशियल पोस्टर आया है उस पोस्टर को जगह जगह पर बहुत ही बड़े बड़े बैनर्स में निकलवाकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में, यहां तक कि ओवरसीज में यूएई दुबई में भी उस पोस्टर को लगाया गया है, जिससे सभी लोगों को पता चले कि 10 नवंबर को टाइगर 3 मूवी को रिलीज होना है और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाए। साथ ही दोस्तों बता दें कि एक पोस्टर हमारे मुंबई से भी वायरल हो रहा है, जिसे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह दोस्तों मुंबई के गैटी गैलेक्सी का सीन है, जहां पर दोस्तों जवान मूवी के साथ साथ वहां हमें जवान का भी पोस्टर देखने को मिल रहा है पीछे, और आगे हमें टाइगर 3 का पोस्टर देखने को मिल रहा है। हालांकि जवान का बहुत ही छोटा पोस्टर है और टाइगर 3 का बहुत ही बड़ा पोस्टर है। अब दोस्तों ऐसे में टाइगर 3 मूवी जो है उसकी हाइप बहुत ही ज्यादा बन चुकी है, लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एक ऑफिशियल पोस्टर आया है, लेकिन अब इसके बाद लोग उसके मोशन ग्लिम्स का, मोशन पोस्टर का, प्लस टीजर और ट्रेलर का वेट कर रहे हैं। और जब टाइगर 3 के सॉन्ग आएंगे, जैसे दोस्तों जवान के सॉन्ग आए थे, पठान के सॉन्ग आए थे, उनने एक अलग ही माहौल बना दिया था, वैसे दोस्तों जब टाइगर 3 के सॉन्ग आएंगे तब दोस्तों वो एक अलग ही हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आप टाइगर 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, इसका जो प्रमोशन हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।